डेटाबेस प्रोग्रामिंग डेटाबेस बहुत सारे रिकॉर्ड्स इन्फॉमेशन का समूह होता है हम जो भी एप्लीकेशन बनाते हैं जो भी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं उस एप्लीकेशन का डेटा किसी ना किसी जगह पर स्टोर होता है तो उस जगह उस फाइल को डेटाबेस बोलते हैं जहाँ पर कि हमारे रिकॉर्ड्स सेव होते हैं यहां पर देखिए एवरी एप्लीकेशन हैज़ इंफॉर्मेशन विच हैज़ टू बी स्टोर्ड प्लेस वेयर वी स्टोर द इंफॉर्मेशन इज नोन एज डेटा सोर्स इसका मतलब है किसी भी प्रकार के एप्लीकेशन को हम इस्तेमाल करते हैं उसका रिकॉर्ड उसके इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं पर स्टोर होते हैं तो जिस जगह पर वो इंफॉर्मेशन स्टोर होते हैं उनको हम बोलते हैं डेटा सोर्स बिकॉज डायरेक्ट कम्युनिकेशन इज नॉट पॉसिबल बिटवीन द एप्लीकेशन एंड द डाटा सोर्स वी रिक्वायर्ड सम मेडिएटर फॉर कम्युनिकेशन दीज मेडिएटर्स आर ऑफ टू टाइप्स तो चूंकि जब हम किसी डेटा सोर्स के साथ कम्युनिकेशन करते हैं तो वह कम्युनिकेशन डायरेक्ट पॉसिबल नहीं होता उसके लिए बीच में एक इंटर एक मेडिएटर की ज़रूरत होती है जो हमारे रिकॉर्ड्स को एप्लीकेशन से ले जा कर डेटा सोर्स में स्टोर कर सके तो बीच में जो ये मेडिएटर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं जैसा कि यहाँ पर दिया गया है मेडिएटर दो प्रकार के होते हैं पहला होता है ड्राइवर और दूसरा होता है प्रोवाइडर तो ये ड्राइवर और प्रोवाइडर ही होते हैं जो एप्लीकेशन से डेटा को लेकर के जाते हैं और इसको डेटा सोर्स में स्टोर करने का काम करते हैं तो यह है ड्राइवर और प्रोवाइडर एक मेडिएटर के रूप में कार्य करते हैं तो डेटाबेस भी दो प्रकार के हो सकते हैं डेटाबेस को हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं एक है लोकल डेटाबेस और एक है रिमोट डेटाबेस लोकल डेटाबेस किसे कहते हैं देखते हैं हम इन दिस केस इन दिस केस द डेटाबेस विच इज रिसाइडिंग ऑन एनी लोकेशन गेट्स लोडेड इन टू द क्लाइंट्स मेमोरी स्पेस एंड फ्रॉम देयर इट प्रोवाइड द रिसोर्सेज टू द क्लाइंट दैट इज वाई इट इज नोन एज लोकल डेटाबेस तो लोकल डेटाबेस वह डेटाबेस होता है जो लोकल कंप्यूटर पर आकर स्टोर होता है भले ही हमारा डेटा और जो रिकॉर्ड्स हम स्टोर कर रहे हैं वो किसी दूसरी लोकेशन पर स्टोर क्यों ना हो लेकिन जब हम उस एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस एप्लीकेशन में वह डेटाबेस क्लाइंट मशीन पर स्टोर हो जाएगा जिस मशीन पर एप्लीकेशन को इस्तेमाल किया जा रहा है अतः डेटा का उस क्लाइंट मशीन पर स्टोर होना तो ऐसा डेटाबेस जो क्लाइंट मशीन पर स्टोर हो जाता है वह कहलाता है आपका लोकल डेटाबेस तो ऐसे डेटाबेस के उदाहरण है फॉक्स प्रो डी बेस और एम एस इसी प्रकार से दूसरा होता है रिमोट डेटाबेस इन दिस केस इन दिस केस द डेटाबेस रिसाइड ऑन द रिमोट लोकेशन एज वेल एज प्रोवाइड द रिसोर्सिस फ्रॉम द रिमोट लोकेशन विदाउट लोडिंग इन टू द क्लाइंट मेमोरी और रिमोट डेटाबेस क्लाइंट मेमोरी में स्टोर नहीं होता यह दूरस्थ रहकर के ही रिमोट लोकेशन में रह कर के ही एप्लीकेशन को डेटा प्रोवाइड करवाता है यह क्लाइंट मशीन पर स्टोर नहीं होता ऐसे डेटाबेस के उदाहरण हैं आपके साइबेस, ऑरेकल तथा एस क्यूएल सर्वर अतः डेटाबेस दो प्रकार के होते हैं एक होता है लोकल डेटाबेस और एक होता है रिमोट डेटाबेस लोकल डेटाबेस कम्युनिकेशन तो हमने देखा डेटाबेस दो प्रकार के होते हैं एक रिमोट डेटाबेस और लोकल डेटाबेस तो लोकल डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन किस प्रकार करते हैं इस स्लाइड के द्वारा उसे समझते हैं टू कम्युनिकेट विद द लोकल डेटाबेस माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड एन ऑप्शन दैट इज जेट ड्राइवर तो जेट ड्राइवर के द्वारा जेट ड्राइवर जिसे बोलते हैं ज्वाइन इंजन टेक्नोलॉजी जेई टी जेट जेट का फुल फॉर्म होता है ज्वाइन इंजन टेक्नोलॉजी तो जेट ड्राइवर के द्वारा हम लोकल डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं तो यहाँ पर देखिए डायग्राम में दिखाया गया है ये हमारा एप्लीकेशन है और एप्लीकेशन जो कि लोकल डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन कर रहा है उसमें बीच में एक इंटरमीडिएटर की ज़रूरत पड़ रही है जिसको बोलते हैं जेट ड्राइवर तो इस प्रकार से जेट ड्राइवर एक मेडिएटर का, का कार्य कर रहा है एप्लीकेशन और लोकल डेटाबेस के बीच में इसका मतलब एप्लीकेशन से जो भी वैल्यूज़ आप स्टोर करना चाहोगे तो वह जाकर के लोकल डेटाबेस में स्टोर होगी लेकिन यहाँ तक वैल्यूज़ को लाने का काम जो है वो जेट ड्राइवर का होगा इसी प्रकार से रिमोट डेटाबेस कम्युनिकेशन किस प्रकार से होता है मतलब यदि जो दूरस्थ में डेटाबेस स्थित है तो किस प्रकार से हम वैल्यूज़ को उसमें स्टोर करा सकते हैं डेटाबेस में तो ये देखिए टू कम्युनिकेशन विथ रिमोट डेटाबेस माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइडेड द सेकेंड टाइप ऑफ ड्राइवर दो सी ओ डी बी सी का फुल फॉर्म है ऑब्जेक्ट डेटाबेस कनेक्टिविटी तो दूरस्थ रिमोट डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया ओ डी बी सी ये देखिए इस डायग्राम से हमको स्पष्ट समझ में आ रहा है यहां पर है आपका एप्लीकेशन जिसमें जो भी आप डेटा एंटर करोगे तो यदि आप वो रिमोट डेटाबेस में स्टोर कराना चाहते हो तो उसके लिए बीच में मेडिएटर का कार्य करेगा जिसे बोलेंगे ओ तो इस प्रकार से लोकल डेटाबेस और रिमोट डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए जेट ड्राइवर और ओ का इस्तेमाल किया जाता है अभी हमने जो देखा ड्राइवर और ओ ड्राइवर जेट ड्राइवर और ओ ड्राइवर उसके कुछ ड्रॉबैक थे क्या ड्रॉबैक थे दे प्रोवाइड ओनली डेटा बेस कम्युनिकेशन वह केवल डेटा बेस के साथ कम्युनिकेशन प्रोवाइड करते थे दे शुड फर्स्ट इंस्टॉल्ड ऑन द क्लाइंट सिस्टम एंड देन कॉन्फिग्रेशन द एप्लीकेशन तो जेटर ड्राइवर और ओ ड्राइवर को सबसे पहले क्लाइंट मशीन जिसमें आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हैं उसमें पहले इस इनके ड्राइवर को इंस्टॉल करना पड़ता था और कॉन्फिगर करना पड़ता था कनेक्शन को ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि आपको जेट ड्राइवर और ओडीबीसी ड्राइवर को क्लाइंट मशीन में इंस्टॉल करना पड़ता था और बाद में उसको आपको कॉन्फ़िगरेशन सेट करना पड़ता था जिसके कारण कि इसको इस्तेमाल करना बहुत आसान नहीं था तो टू ओवरकम द एड्रेस एडवांटेजेस ऑफ द ड्राइवर माइक्रोसॉफ्ट इंट्रोड्यूस्ड ओ एल ई डी प्रोवाइडर्स तो इस प्रकार से ये जेट ड्राइवर और ओ डी बी सी ड्राइवर जिसको कि इंस्टॉल करना पड़ता था इसकी कमी को दूर करने के लिए इसके डिसएडवांटेज को हटाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस किया ओ एल ई डी बी प्रोवाइडर तो अब ये ड्राइवर के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया प्रोवाइडर्स, जिसके द्वारा की डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन और आसान हो गया तो ओ एल डी बी का आपका क्या मतलब हुआ ओ एल ई डी बी ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग डेटाबेस इस डेटाबेस के क्या फायदे थे इट प्रोवाइड द फॉलोइंग बेनिफिट्स इट अलाउज डेटाबेस कम्युनिकेशन ये डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन प्रोवाइड करवाता था सेकेंड द इंटीग्रेटिंग इन द एप्लीकेशन विच डज नॉट रिक्वायर सेपरेट इंस्टॉलेशन यह एप्लीकेशन के साथ ही इंटीग्रेट होकर आता था जोड़ा हुआ आता था ताकि एप्लीकेशन बनाने के बाद यदि आप इसी किसी दूसरे कंप्यूटर में इंस्टॉल करें तो उसके लिए आपको कोई ड्राइवर सॉफ्टवेयर डालने की जरूरत नहीं पड़ती थी ना तो आपको कोई कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता था जो आपको जेड ड्राइवर और ओ ड्राइवर में करना पड़ता था तो ओ प्रोवाइडर ने यह सेपरेट इंस्टॉलेशन और कॉन्फ़िगरेशन की समस्या को खत्म कर दिया यह डेटाबेस के साथ इंटीग्रेट आते थे यह उसमें जुड़े हुए आते थे आपको इसको अलग से कॉन्फिग्रेशन या इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं होती थी ये देखिए आप ओ एल डी बी प्रोवाइडर को यहाँ पर पिक्चर के द्वारा समझ सकते हैं यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन के साथ आपका ओ एल ई डी बी प्रोवाइडर इंटीग्रेटेड जुड़ा हुआ आता है और आपका एप्लीकेशन बहुत ही आसानी से डेटा सोर्स के साथ कम्युनिकेशन कर सकता है तो इस प्रकार से ओ एल ई डी बी प्रोवाइडर के आने के बाद डेटा सोर्स के साथ कम्युनिकेशन और भी आसान हो गया और यह ओ एल ई डी बी प्रोवाइडर एप्लीकेशन के साथ जुड़े हुए आने लगे इंटीग्रेट होकर आने लगे इसको अलग से सेपरेट इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं हुई वैन माइक्रोसॉफ्ट इंट्रोड्यूस द विजुअल बेसिक लैंग्वेज जब माइक्रोसॉफ्ट ने विजुअल बेसिक लैंग्वेज इंट्रोड्यूस की उसने जब ये माइक्रोसॉफ्ट लैंग्वेज को लॉन्च किया इट कोड नॉट डायरेक्टली यूटीलाइज ड्राइवर एंड प्रोवाइडर बिकॉज दे आर ऑफ नेटिव कोड टू एवॉयड दिस इट हैज इंट्रोड्यूस थ्री एडिशनल कंपोनेंट नोन एज मतलब जब माइक्रोसॉफ्ट ने विजुअल बेसिक लैंग्वेज को बनाया तब डायरेक्ट ड्राइवर या प्रोवाइडर का यूज़ करके हम डेटा सोर्स के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर पाते थे जब विजुअल बेसिक लैंग्वेज बे आई क्यों क्योंकि जो ये ड्राइवर और प्रोवाइडर थे ये मशीन लैंग्वेज में लिखे हुए थे इनकी कोडिंग मशीन लैंग्वेज में थी नेटिव कोड में थी इसलिए माइक्रोसॉफ्ट ने तीन और कंपोनेंट्स बनाए जो कि ड्राइवर डेटा सोर्स और एप्लीकेशन के बीच में मेडिएटर का कार्य करते थे तो ये तीन कंपोनेंट के नाम थे डी ए डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट दूसरा था आर डी ओ रिमोट डेटा ऑब्जेक्ट तीसरा था ए एक्स डेटा ऑब्जेक्ट तो ये तीन कंपोनेंट थे जो डेटा सोर्स के साथ डेटा बेस के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे ये देखिए इस पिक्चर से हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये हमने विजुअल बेसिक लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं और जो भी एप्लीकेशन हमारा बना हुआ है वो विजुअल बेसिक लैंग्वेज में यदि बनाया है हमने तो डायरेक्ट हम जेट ड्राइवर ओ ड्राइवर या ओ प्रोवाइडर का इस्तेमाल करके डेटा के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर सकते थे उसके लिए तीन अलग अलग कंपोनेंट की आवश्यकता हुई जो कि हैं डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट रिमोट डेटा ऑब्जेक्ट और एक्टिव एक्स डेटा ऑब्जेक्ट तो डीए डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाता था विजुअल बेसिक लैंग्वेज में जब हम जेट ड्राइवर का इस्तेमाल करते थे और लोकल डेटा बेस के साथ कम्युनिकेशन करते थे उसी प्रकार से रिमोट डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाता था जब हम रिमोट डेटा बेस के साथ कम्युनिकेशन करते थे और ओ डी बी सी ड्राइवर का इस्तेमाल करते थे उसी प्रकार से ए डी ओ एक्टिव एक्स डेटा ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाता था जब हम डेटा सोर्स के साथ कम्युनिकेशन करते थे और ओ एल ई डी भी प्रोवाइडर का इस्तेमाल करते थे हम किसी ड्राइवर का इस्तेमाल नहीं करते थे हम प्रोवाइडर का इस्तेमाल करते थे उस समय हम एडियो एक्टिव एक्स डेटा ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते थे डेटा बेस के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए तो जब विजुअल बेसिक लैंग्वेज आई तो उसके पश्चात तीन और कंपोनेंट को इंट्रोड्यूस किया गया क्योंकि जो ये ड्राइवर और प्रोवाइडर थे वो मशीन लैंग्वेज में लिखे हुए थे और केवल इनका ही इस्तेमाल करके हम डेटाबेस में वैल्यूज़ को स्टोर या वैल्यूज़ को देख नहीं सकते थे इसलिए बीच में एक और एडिशनल कंपोनेंट की आवश्यकता हुई जिनके द्वारा कि डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन आसान हो गया विजुअल बेसिक क्लासिकल विजुअल बेसिक के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने डॉट नेट टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया जिसमें आपकी ये जो क्लासिकल विजुअल बेसिक है वह वी वी डॉट नेट या विजुअल बेसिक डॉट नेट में बदल गई तो विजुअल बेसिक डॉट नेट के आने के बाद जो आपका एडियो टेक्नोलॉजी होती थी वह एडियो डॉट नेट टेक्नोलॉजी में बदल गई तो वी वी डॉट नेट में एडियो डॉट नेट टेक्नोलॉजी के द्वारा हम डेटा सोर्स के साथ कम्युनिकेशन करते हैं डेटा सोर्स में इंफॉर्मेशन को स्टोर कराते हैं डेटा सोर्स से इंफॉर्मेशन को देखते हैं तो एडियो डॉट नेट टेक्नोलॉजी में तीन प्रकार की असेंबलीज जो है इस्तेमाल की जाती हैं जिनके द्वारा कि हम डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन आसानी से कर सकते हैं तो एडियो डॉट नेट हैज़ बीन प्रोवाइडेड प्रोवाइड विद सम सेट ऑफ असम्बलीज एज फॉलोज सिस्टम डॉट डेटा डॉट ओ एल ई डी बी डॉट डी एल एल तो यह एक प्रकार की असेंबली है जिसका इस्तेमाल की किसी भी प्रकार के डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए किया जाता है प्रकार से दूसरी असेंबली है सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट डॉट डीएलएल सिस्टम डॉट डेटा डॉट ओअल डीएलएल तो ये क्या होती है इसका डिस्क्रिप्शन हम देखते हैं ये नेक्स्ट स्लाइड में देखिए पहला आपका असेंबली है सिस्टम डॉट डेटा डॉट ओ एल ई डी बी डॉट डीएलएल इट इज अ कलेक्शन ऑफ क्लासेस विच कैन बी यूज फॉर कम्युनिकेटिंग विथ एनी टाइप ऑफ डेटा सोर्स तो यह असेंबली होती है असेंबली जो है बहुत सारी क्लासेस का समूह होती है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने जब विजुअल स्टूडियो बनाया तो उसमें सभी प्रकार के टास्क करने के लिए जैसे डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए भी बहुत सारे प्रोग्राम्स को पहले से लिख करके रख दिया पहले से सब स्टोर है ये आपके विजुअल स्टूडियो में तो ये जो प्रोग्राम्स इनने लिखे उनको क्लासेस का नाम दे दिया तो बहुत सारी क्लासेस जो हैं मिल के बनाती हैं असेंबली तो इसीलिए सिस्टम डॉट डेटा डॉट ओ एल डी बी डॉट डी एल एल एक असेंबली है जिसमें इस प्रकार की क्लासेस होती हैं जो किसी भी प्रकार के डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन आसानी से प्रोवाइड करवा सकती हैं उसी प्रकार की आपकी दूसरी असेंबली है जिसका नाम है सिस्टम डॉट डेटा डॉट एस क्यूएल क्लाइंट इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ क्लासेस विच कैन बी यूज फॉर कम्युनिकेटिंग विथ ओनली एसक्ल सर्वर डेटाबेस चूँकि यह असेम्बली का नाम ही है एसक्ल क्लाइंट डॉट डी एल एल तो यह भी बहुत सारी क्लासेस का समूह है लेकिन यह क्लासेस केवल एसक्ल सर्वर डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए इस्तेमाल की जाती है उसी प्रकार से तीसरी असम्बली है सिस्टम डॉट डेटा डॉट और एकल क्लाइंट डॉट डी एल एल तो यह असेंबली चूंकि इसका नाम ही है औरल क्लाइंट डॉट डी तो इस असेंबली का यूज़ भी डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए तो किया जाता था और इसमें भी बहुत सारी क्लासेस होती थी जिसके साथ डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन किया जाता था लेकिन यह केवल पर्टिकुलर ऑरकल डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन प्रोवाइड करवाती थी तो यहां पर केवल एक ही असेंबली है जिसके अंदर क्लासेस होती थी जो किसी भी डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन इस्तेमाल की जा सकती थी वो थी आपकी ओ एल ई डी बी तो यदि आप अपने प्रो, अपने एप्लीकेशन में ओ डी बी का इस्तेमाल करते हैं तो आप किसी भी डेटा सोर्स के साथ आसानी से कम्युनिकेशन कर सकते हैं एवरी डेटाबेस ऑपरेशन इन्वॉल्व फॉलोइंग एक्टिविटी इन कॉमन यदि आप किसी डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं यदि आप एप्लीकेशन से किसी भी वैल्यूज़ को स्टोर करना चाहते हैं अपडेट करना चाहते हैं डिलीट करना चाहते हैं या रिकॉर्ड्स को देखना चाहते हैं तो उसके लिए डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए तीन ऑपरेशन कॉमन होते हैं सबसे पहला ऑपरेशन है ओपन ना कनेक्शन सबसे पहले हम डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाते हैं दूसरा है अप्लाइंग स्टेटमेंट दूसरा हम स्टेटमेंट अप्लाई करते हैं तीसरा है एक्सपेक्टिंग अ रिज़ल्ट उसके बाद हम रिज़ल्ट को एक्सपेक्ट करते हैं मतलब रिजल्ट को देखते हैं तो डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए डेटाबेस प्रोग्रामिंग करने के लिए तीन चीज़ें कॉमन हैं सबसे पहले डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाना उसके बाद स्टेटमेंट अप्लाई करना कि आप किन रिकॉर्ड्स को देखना चाहते हो कि डिलीट करना चाहते हो कि अपडेट करना चाहते हो उसी के पश्चात है रिकॉर्ड्स को देखना तो ये तीन चीजें कॉमन है डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए लोकल डेटाबेस कम्युनिकेशन तो हमने देखा डेटाबेस दो प्रकार के होते हैं एक रिमोट डेटाबेस और लोकल डेटाबेस तो लोकल डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन किस प्रकार करते हैं इस स्लाइड के द्वारा उसे समझते हैं तो कम्युनिकेट विद द लोकल डेटाबेस माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड एन ऑप्शन देट इज़ जेट ड्राइवर तो जेट ड्राइवर के द्वारा जेट ड्राइवर जैसे बोलते हैं ज्वाइन इंजन टेक्नोलॉजी जे ई टी जैट जेट का फुल फॉर्म होता है ज्वाइन इंजन टेक्नोलॉजी तो जैट ड्राइवर के द्वारा हम लोकल डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं तो यहाँ पर देखिए डाइग्राम में दिखाया गया है ये हमारा एप्लीकेशन है और एप्लीकेशन जो कि लोकल डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन कर रहा है उसमें बीच में एक इंटरमीडिएटर की जरूरत पड़ रही है जिसको बोलते हैं जेट ड्राइवर तो इस प्रकार से जेट ड्राइवर एक मेडिएटर का कार्य कर रहा है एप्लीकेशन और लोकल डेटाबेस के बीच में इसका मतलब एप्लीकेशन से जो भी वैल्यूज आप स्टोर करना चाहोगे तो वह जाकर के लोकल डेटाबेस में स्टोर होगी लेकिन यहाँ तक वैल्यूज़ को लाने का काम जो है वो जेट ड्राइवर का होगा इसी प्रकार से रिमोट डेटाबेस कम्युनिकेशन किस प्रकार से होता है मतलब यदि जो दूरस्थ में डेटाबेस स्थित है तो किस प्रकार से हम वैल्यूज़ को उसमें स्टोर करा सकते हैं डेटाबेस में तो ये देखिए टू कम्युनिकेशन विथ रिमोट डेटाबेस माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइडेड द सेकेंड टाइप ऑफ ड्राइवर दोज आर ओ डी का फुल फॉर्म है ऑब्जेक्ट डेटाबेस कनेक्टिविटी तो दूरस्थ रिमोट डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया ओ डी बी सी ये देखिए इस डायग्राम से हमको स्पष्ट समझ में आ रहा है यहाँ पर है आपका एप्लीकेशन जिसमें जो भी आप डेटा एंटर करोगे तो यदि आप वो रिमोट डेटाबेस में स्टोर कराना चाहते हो तो उसके लिए बीच में मेडिएटर का कार्य करेगा जिसे बोलेंगे ओ डी बी सी तो इस प्रकार से लोकल डेटाबेस और रिमोट डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए जेट ड्राइवर और ओ का इस्तेमाल किया जाता है। अभी हमने जो देखा ड्राइवर और ओ ड्राइवर जेट ड्राइवर और ओ ड्राइवर उसके कुछ ड्रॉबैक थे क्या ड्रॉबैक थे दे प्रोवाइड ओनली डेटा बेस्ड कम्युनिकेशन वह केवल डेटा बेस के साथ कम्युनिकेशन प्रोवाइड करते थे दे शुड फर्स्ट इंस्टॉल्ड ऑन द क्लाइंट सिस्टम एंड देन कॉन्फिग्रेशन द एप्लीकेशन तो जेट राइडर ड्राइवर और ओ ड्राइवर को सबसे पहले क्लाइंट मशीन जिसमें आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हैं उसमें पहले इस इनके ड्राइवर को इंस्टॉल करना पड़ता था और कॉन्फिगर करना पड़ता था कनेक्शन को यह इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि आपको जेट ड्राइवर और ओ ड्राइवर को क्लाइंट मशीन में इंस्टॉल करना पड़ता था और बाद में उसको आपको कॉन्फिग्रेशन सेट करना पड़ता था जिसके कारण कि इसको इस्तेमाल करना बहुत आसान नहीं था तो टू ओवरकम द एडवांटेजेस ऑफ द ड्राइवर माइक्रोसॉफ्ट इंट्रोड्यूस्ड ओ एल ई डी बी प्रोवाइडर्स तो इस प्रकार से ये जेट ड्राइवर और ओ डी बी सी ड्राइवर जिसको कि इंस्टॉल करना पड़ता था इसकी कमी को दूर करने के लिए इसके डिसएडवांटेज को हटाने के लिए माइक्रोसॉफ़्ट ने इंट्रोड्यूस किया ओ एल ई डी बी प्रोवाइडर तो अब ये ड्राइवर के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया प्रोवाइडर्स जिसके द्वारा कि डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन और आसान हो गया तो ओ का आपका क्या मतलब हुआ ओ ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग डेटाबेस इस डेटाबेस के क्या फायदे थे इट प्रोवाइड बेनिफिट्स इट अलाउज डेटाबेस कम्युनिकेशन यह डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन प्रोवाइड करवाता था सेकेंड द इंटीग्रेटिंग इन द एप्लीकेशन विच डज नॉट रिक्वायर सेपरेट इंस्टॉलेशन यह एप्लीकेशन के साथ ही इंटीग्रेट होकर आता था जोड़ा हुआ आता था ताकि एप्लीकेशन बनाने के बाद यदि आप इसी किसी दूसरे कंप्यूटर में इंस्टॉल करें तो उसके लिए आपको कोई ड्राइवर या सॉफ्टवेयर डालने की जरूरत नहीं पड़ती थी ना तो आपको कोई कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता था जो आपको जेड ड्राइवर और ओडीबीसी ड्राइवर में करना पड़ता था तो ओ प्रोवाइडर ने यह सेपरेट इंस्टॉलेशन और कॉन्फ़िगरेशन की समस्या को खत्म कर दिया यह डेटाबेस के साथ इंटीग्रेट आते थे यह उसमें जुड़े हुए आते थे आपको इसको अलग से कॉन्फ़िगरेशन या इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं होती थी ये देखिए आप ओ प्रोवाइडर्स को यहाँ पर पिक्चर के द्वारा समझ सकते हैं यहाँ पर देखिए ये एप्लीकेशन के साथ आपका ओ प्रोवाइडर इंटीग्रेटेड जुड़ा हुआ आता है और आपका एप्लीकेशन बहुत ही आसानी से डेटा सोर्स के साथ कम्युनिकेशन कर सकता है तो इस प्रकार से ओ प्रोवाइडर के आने के बाद डेटा सोर्स के साथ कम्युनिकेशन और भी आसान हो गया और यह ओ बी प्रोवाइडर एप्लीकेशन के साथ जुड़े हुए आने लगे इंटीग्रेट होकर आने लगे इसको अलग से सेपरेट इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं हुई विजुअल बेसिक क्लासिकल विजुअल बेसिक के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने डॉट नेट टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया जिसमें आपकी ये जो क्लासिकल विजुअल बेसिक है वह वी वी डॉट नेट या विजुअल बेसिक डॉट नेट में बदल गई तो विजुअल बेसिक डॉट नेट के आने के बाद जो आपका एडियो टेक्नोलॉजी होती थी वह एडियो डॉट नेट टेक्नोलॉजी में बदल गई तो वी वी डॉट नेट में एडियो डॉट नेट टेक्नोलॉजी के द्वारा हम डेटा सोर्स के साथ कम्युनिकेशन करते हैं डेटा सोर्स में इंफॉर्मेशन को स्टोर कराते हैं डेटा सोर्स से इंफॉर्मेशन को देखते हैं तो एडियो डॉट नेट टेक्नोलॉजी में तीन प्रकार की असेंबलीज जो है इस्तेमाल की जाती हैं जिनके द्वारा कि हम डेटा के साथ कम्युनिकेशन आसानी से कर सकते हैं तो एडियो डॉट नेट हैज बीन प्रोवाइडेड प्रोवाइड विथ समट ऑफ असम्बलीज एज फॉलोज सिस्टम डॉट डेटा डॉट ओ एल ई डी बी डॉट डी एल एल तो यह एक प्रकार की असेंबली है जिसका इस्तेमाल की किसी भी प्रकार के डेटा बेस के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए किया जाता है उसी प्रकार से दूसरी असम्बली है सिस्टम डॉट डेटा डॉट एस क्यू एल क्लाइंट डॉट डी एल एल सिस्टम डॉट डेटा डॉट क्लाइंट डॉट डी एल एल तो ये क्या होती हैं इसका डिस्क्रिप्शन हम देखते हैं ये नेक्स्ट स्लाइड में देखिए पहला आपका असेंबली है सिस्टम डॉट डेटा डॉट ओ एल ई डी बी डॉट डी एल एल इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ क्लासेस विच कैन बी यूज फॉर कम्युनिकेटिंग विथ एनी टाइप ऑफ डेटा सोर्स तो यह असेंबली होती है असेंबली जो है बहुत सारी क्लासेस का समूह होती है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने जब विजुअल स्टूडियो बनाया तो उसमें सभी प्रकार के टास्क करने के लिए जैसे डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए भी बहुत सारे प्रोग्राम्स को पहले से लिख करके रख दिया पहले से सब स्टोर है ये आपके विजुअल स्टूडियो में तो ये जो प्रोग्राम्स इनने लिखे उनको क्लासेस का नाम दे दिया तो बहुत सारी क्लासेस जो हैं मिल कर के बनाती हैं असम्बली तो इसीलिए सिस्टम डॉट डेटा डॉट ओ एल डी डॉट डी एल एल एक असेंबली है जिसमें इस प्रकार की क्लासेस होती हैं जो किसी भी प्रकार के डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन आसानी से प्रोवाइड करवा सकती हैं उसी प्रकार की आपकी दूसरी असेंबली है जिसका नाम है सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्ल क्लाइंट इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ क्लासेस विच कैन बी यूज फॉर कम्युनिकेटिंग विथ ओनली एसक्ल सर्वर डेटाबेस चूंकि यह असेंबली का नाम ही है एसक्एल क्लाइंट डॉट डी तो यह भी बहुत सारी क्लासेस का समूह है लेकिन यह क्लासेस केवल एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए इस्तेमाल की जाती है उसी प्रकार से तीसरी असेंबली है सिस्टम डॉट डेटा डॉट और एकल क्लाइंट डॉट डी एल एल तो यह असेंबली चूंकि इसका नाम ही है औरल क्लाइंट डॉट डी एल एल तो इस असेंबली का यूज़ भी डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए तो किया जाता था और इसमें भी बहुत सारी क्लासेस होती थी जिसके साथ डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन किया जाता था लेकिन यह केवल पर्टिकुलर ऑरकल डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन प्रोवाइड करवाती थी तो यहां पर केवल एक ही असेंबली है जिसके अंदर क्लासेस होती थी जो किसी भी डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन इस्तेमाल की जा सकती थी वो थी आपकी ओ बी -E तो यदि आप अपने प्रो, अपने एप्लीकेशन में ओ बी -E का इस्तेमाल करते हैं तो आप किसी भी डेटा सोर्स के साथ आसानी से कम्युनिकेशन कर सकते हैं एवरी डेटाबेस ऑपरेशन इन्वॉल्व फॉलोइंग एक्टिविटी इन कॉमन यदि आप किसी डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं यदि आप एप्लीकेशन से किसी भी वैल्यूज़ को स्टोर करना चाहते हैं अपडेट करना चाहते हैं डिलीट करना चाहते हैं या रिकॉर्ड्स को देखना चाहते हैं तो उसके लिए डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए तीन ऑपरेशन कॉमन होते हैं सबसे पहला ऑपरेशन है ओपन कनेक्शन सबसे पहले हम डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाते हैं दूसरा है अप्लाइंग स्टेटमेंट दूसरा हम स्टेटमेंट अप्लाई करते हैं तीसरा है एक्सपेक्टिंग अ रिजल्ट उसके बाद हम रिजल्ट को एक्सपेक्ट करते हैं मतलब रिजल्ट को देखते हैं तो डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए डेटाबेस प्रोग्रामिंग करने के लिए तीन चीज़ें कॉमन हैं सबसे पहले डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाना उसके बाद स्टेटमेंट अप्लाई करना कि आप किन रिकॉर्ड्स को देखना चाहते हो कि डिलीट करना चाहते हो कि अपडेट करना चाहते हो उसी के पश्चात है रिकॉर्ड्स को देखना तो ये तीन चीजें कॉमन है डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए